फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ, जैसे कि आप लोगों ने मेरे पुराने कई सारे वीडियोस पे देखे होंगे कि मैं ये बोट का ये ब्लूटूथ हेडफोन ही मैं यूज़ करती हूँ, तो बिल्कुल सही तरीके से रन कर रहा है। मुझे इससे कुछ भी अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं मिला। इसको मुझे यूज़ किए हुए आई थिंक 7-8 महीना तो हो गया है और अभी तक बिल्कुल भी सही सलामत है। कुछ भी मतलब मुझे दिक्कत नहीं हुआ इससे, सही तरीके से मतलब ये चल रहा है। मैंने एक एयरपोर्ट ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, जो कि मुझे रिसीव हुआ है आज ही। इसको मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करूंगी और उसके बाद मैं जो सच्चा रिव्यू है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे पता नहीं क्यों मुझे एयरपोर्ट से ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट यूज़ करके अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अच्छी तरीके से सुनाई नहीं देता होगा। मैं मतलब कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। मैंने ट्राई किया है पहले, लेकिन मुझे वो कंफर्टेबल नहीं मिलता है। तो उसके लिए मैं ये ब्लूटूथ ईयरफोन ही मैं बहुत ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों में से कौन कौन एयरपोड्स पसंद करते हो और कौन कौन ब्लूटूथ या फिर ऐसे नॉर्मल तार वाला एयरफोन प्रीफर करते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो मैं इसका अनबॉक्सिंग करती हूँ, आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना बिना स्किप किए। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप में से कोई हो जो मेरे चैनल को आज ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कमेंट्स करो, शेयर करो। तो चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं।
वायरल होता है, मुझे सच में कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि मैं आज तक मुझे समझ में नहीं आया। तो आप लोगों से मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक बार करते हो तो उसको अनसब्सक्राइब मत किया करो। अगर आप लोग सब्सक्राइब मुझे आप लोगों को अगर मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो मत करो, कोई बात नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद उसको अनसब्सक्राइब मत करो। वो सच में बहुत तकलीफ, उससे बहुत तकलीफ होता है। जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, उससे ज़्यादा तकलीफ होता है कि सब्सक्राइब करने के बाद जब अनसब्सक्राइब कर देते हो। वो बात मुझे समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि मैं आज तक जितना लोगों को मैंने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को मैंने आज तक कभी भी अनसब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि वो अगर मेरे सब्सक्रिप्शन लिस्ट पे है मुझे तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, तो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन पता नहीं मेरे साथ लोग ऐसे क्यों करते हैं, मुझे ये पता नहीं है कि मुझे पर्टिकुलरली कौन मुझे अनसब्सक्राइब कर रहा है या वो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ कर तो रहा है, नहीं तो ऐसे क्यों कम रहा है मेरा सब्सक्राइबर्स। मैं जब भी यूट्यूब खोलती हूँ मेरा डेली बेसिस पे 3-4, 2-3 तो एकदम मिनिमम डेली कट जाता है, अनसब्सक्राइब हो जाता है, माइनस हो जाता है, मुझे ये बात अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट ही करूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद फिर अनसब्सक्राइब मत किया करो, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी बच्चा तो नहीं है, सबको थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, ठीक है। आप लोग बोलते हो कि हाँ मैंने सब्सक्राइब कर दिया है आपके चैनल को, आज से हम दोस्त बन चुके हैं, ये वो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, नेक्स्ट डे वो कट जाता है। तो ये कोई मैजिक तो नहीं है, कोई उठा देता है इसके लिए वो माइनस हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग ऐसा मत करो, ठीक है, और सपोर्ट करो मुझे। आप लोग मुझे सजेशंस दो कि मैं कौन सा, मैंने मेरे चैनल पे कई सारे अलग अलग टाइप के वीडियोस बनाया है, तो क्योंकि मेरा चैनल है मिक्स्ड कंटेंट के ऊपर, तो आप लोग मुझे सजेशंस दे सकते हो कि मैं कौन सा वाला वीडियो या कौन सा वाला टॉपिक के ऊपर बनाने से आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग देख के एंजॉय करते हो, मैं उसी टॉपिक पर बनाने की कोशिश करूँगी। तो बस इतना ही बोलना था और कुछ नहीं। चलो फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी एंड बाय बाय।